रोजाना की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दौर में लोग कई गंभीर बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं, ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप अपनी सेहत का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें। बता दें आपको कि आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं स्लीप वॉकिंग की। जी हाँ, नींद में चलने की बीमारी के बारे में। कुछ लोगों को नींद में बड़बड़ाने की आदत होती है तो कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है। ये बीमारी बेहद ही खतरनाक होती है। जी हाँ, अक्सर आपने देखा ही होगा कि लोग सोते हैं और सोते समय रात में उठते हैं जब वो नींद में होते हैं। ऐसे में नींद में वो चलने लगते हैं और चलते चलते कहीं भी पहुँच जाते हैं और ये दौर बहुत ही मुश्किल होता है। दरअसल आपको बता दें कि स्लीप वॉकिंग की दिक्कत ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है, इसे स्लीप वॉकिंग कहा जाता है। वहीं ज़्यादातर लोगों में बड़ों की तुलना में ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। ज़्यादातर लोग कम नींद ले पाते हैं और वहीं स्लीप वॉकिंग की आशंका भी बढ़ जाती है। स्लीप वॉकिंग में हमेशा लोग चलते ही नहीं हैं बल्कि कई बार उठकर बिस्तर पर भी बैठ जाते हैं, इधर उधर देखते हैं और तरह तरह के इशारे भी करते हैं और या फिर बड़बड़ाते हुए नज़र भी आते हैं। बहुत बार वो कमरे के भीतर चला करते हैं लेकिन कई बार बाहर भी निकल जाते हैं। ऐसे में बेहद ही खतरनाक होता है उनके लिए नींद में चलना। इंसान की नींद दो तरह की होती है, नॉन रैम नींद और रैम नींद। रात भर इन दोनों नींद के अनेक चक्र चला सकते हैं। स्लीप वॉकिंग का रोगी गहरी नॉन रैम नींद में देखने को मिलता है तो नींद में उठ बैठे, बड़बड़ाते और चलते हुए लोग बाद में अपनी हरकतों को याद नहीं करते हैं। कई बार चलते चलते रोगी किसी स्थान पर भी पहुंच सकते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए उनके सपनों की तो कभी कभी सपने देखते हुए चिल्लाने भी लगते हैं। ऐसे में बेहद ही खतरनाक हो सकती है ये बीमारी। बता दें आपको कि इस रोग से पीड़ित रोगी को स्लीप वॉकिंग के दौरान उठाया जाना चाहिए जिससे कि आप इस बीमारी से उसे बचा सकते हैं। उसे जगाना चाहिए, दरअसल ना जगाने से वो अपना और सामने वाले का भी नुकसान कर सकता है। नींद का कम मिल पाना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, बुखार आना आदि कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस स्थिति को पैदा कर देती हैं और बच्चों में ये समस्या बड़ों से ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में कई बार बच्चे स्लीप वॉकिंग भी करते हैं तो कभी कभी बिस्तर पर यूरिनेट भी कर देते हैं, जो कि बच्चों के लिए और ना ही बड़ों के लिए किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। वहीं अगर बात की जाए इस बीमारी के इलाज की तो स्लीप स्पेशलिस्ट से ज़रूर इसका इलाज कराएं। इस बीमारी के इलाज के लिए स्लीप स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए और बच्चे बड़े होने पर अनेक बार इस रोग से खुद ही मुक्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों बड़े सभी रोगियों में समस्या की वजह हो सकती है। वहीं इस उपचार का प्रयास भी आपको करना चाहिए। रोगी को नींद कम मिल रही है तो उसे अधिक सोने के लिए प्रोत्साहित करें या फिर उस रोगी को खुद सोने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वो इस गंभीर बीमारी से निजात पा सके और ये बीमारी जब दूर हो जाएगी तो वो खुद पे खुद ठीक हो जाएंगे। बता दें आपको कि स्लीप वॉकिंग के उपचार में सफलता ऐसे ही मिलती है। ऐसे में रोगी पर लगातार निगरानी रखनी पड़ती है जिससे कि वो कहीं घायल ना हो जाए या फिर उसे कहीं चोट ना लग जाए। तो दर्शकों, यदि कोई भी इंसान इस बीमारी से ग्रस्त है तो जल्द से जल्द उसे इस बीमारी का इलाज करा लेना चाहिए जिससे कि वो इस बीमारी से निजात पा सके। सो फ्रेंड्स, आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए क्यूरिन हेल्थ डेस्क से प्रांशी की रिपोर्ट।